हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अमेरिका के उत्तरी राज्य अलास्का का एक छोटा सा टाउन विटियर इन दोनों अपनी बसावट और व्यवस्था के कारण चर्चा में है। दोस्तों, अलास्का यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है। इसके साथ ही यह यूएसए का सबसे ठंडा और सबसे कम डेंसिटी वाला राज्य भी है। यहाँ के 70% से भी ज़्यादा टाउन्स रोड्स या हाईवे से कनेक्टेड नहीं हैं। और ऐसे ही अलास्का का ये छोटा सा टाउन विटियर भी रोड्स या हाईवे से अलग थलग मौजूद है। दोस्तों, इस पूरे टाउन में मात्र एक 14 मंजिला इमारत है जिसका नाम है बैगेज टावर। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टाउन के ज़्यादातर सभी लोग इस 14 मंजिला इमारत में ही रहते हैं। यही कारण है कि विटियर को वर्टिकल टाउन नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस बैगेज टावर में न केवल लोग रहते हैं बल्कि उनकी ज़रूरतों की सभी चीज़ों की भी व्यवस्था यहाँ है। इस बिल्डिंग में पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, ग्रोसरी स्टोर, लॉन्ड्री और ग्राउंड फ्लोर पर चर्च भी मौजूद है। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में पोस्ट ऑफिस, सिटी ऑफिस, होटल, कॉन्फ्रेंस रूम और इंडोर प्ले एरिया भी मौजूद हैं। इनमें काम करने वाले वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ और ओनर भी इस 14 मंजिला इमारत में ही रहते हैं। रहने के लिए ये व्यवस्था बहुत ही असामान्य है। लेकिन दोस्तों, इन सभी लोगों के इस 14 मंजिला इमारत में रहने का कारण है यहाँ का हद से ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। यहाँ का मौसम पूरी साल ज़्यादातर खराब ही रहता है। विटियर यूएसए का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है। यहाँ हर साल लगभग 197.8 इंचेस बारिश होती है। और गर्मियों में इतनी बारिश झेलने के बाद सर्दियों में यहाँ के लोगों को बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ लगभग 249 इंच स्नोफॉल होता है और कई इंच गहरी बर्फ की लेयर जम जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ 60 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से बर्फीले तूफान भी आते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों का बाहर जा पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यही कारण है यहाँ के लोगों ने अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों की व्यवस्था इस 14 मंजिला इमारत में की हुई है। दोस्तों, इस टाउन की हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय यूएस आर्मी द्वारा इस स्थान का एक बैरक के रूप में प्रयोग किया जाता था। वर्ल्ड वॉर के बाद 1953 में एंटन एंडरसन द्वारा इस बैगेज टावर को कॉर्प्स इंजीनियर के हेडक्वार्टर के रूप में डिज़ाइन किया गया। उस वक्त इस टाउन की पॉपुलेशन करीब 1200 थी, लेकिन बाद में 1969 में हेडक्वार्टर को हवाई शिफ्ट कर दिया गया और बैगेज टावर को आम लोगों के रहने के लिए दे दिया गया। और तभी से लोग इस 14 मंजिला इमारत में रह रहे हैं। विटियर नाम टाउन के पास मौजूद एक ग्लेशियर से लिया गया है जो एक अमेरिकन पोइट जॉन ग्रीनलीफ विटियर के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल भी काफ़ी अलग है। खराब मौसम के कारण ज़्यादातर वक्त उन्हें इस 14 मंजिला इमारत में ही गुजारना पड़ता है। हाईवे से टाउन तक पहुँचना भी आसान नहीं है क्योंकि कोई सड़क मौजूद नहीं है। और विटियर पहुँचने के सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है पहाड़ को काटकर बनाई गई एक टनल जिसका नाम है पोर्टेज टनल। ये एक छोटी सी वन वे टनल है और शहर में आने या जाने का यही एकमात्र रोड है। वन वे टनल होने के कारण एक समय में एक ही बार आना या जाना किया जा सकता है। टाउन की सेफ्टी के लिए रात के समय इस टनल को बंद कर दिया जाता है क्योंकि ये टाउन चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और अक्सर यहाँ पोलर बियर का खतरा रहता है। विटियर पहुँचने का दूसरा रास्ता है समुद्री मार्ग। दोस्तों, कहने को विटियर भले ही एक छोटा सा टाउन है लेकिन फिशिंग इंडस्ट्री में इस टाउन का बड़ा नाम है क्योंकि यहाँ के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम फिशिंग और टूरिज्म है। अपने वाइल्ड लाइफ और नेचुरल ब्यूटी के कारण फोटोग्राफर्स, हाइकर्स और हंटर्स यहाँ आना काफ़ी पसंद करते हैं। अलास्का के एक बड़े शहर और पोर्ट एनकोरेज से लगभग 58 माइल्स दूर स्थित होने के कारण एनकोरेज से वैंकूवर जाने वाले क्रूज शिप्स के लिए ये एक फेमस स्टॉप भी है। दोस्तों, ज़्यादा बर्फीले तूफान आने के कारण बिल्डिंग और स्कूल को एक अंडरग्राउंड टनल से कनेक्ट किया गया है। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में एक इंडोर वेजिटेबल गार्डन भी है जहाँ हाइड्रोपोनिक इक्विपमेंट की मदद से खेती की जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि विटियर टाउन यूएसए के इतिहास में आए सबसे तेज भूकंप का भी सामना कर चुका है। मार्च 28, 1964 में आए 9.4 मैग्नीट्यूड स्केल के भूकंप की वजह से इस टाउन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और करीब 13 लोग मारे गए। अपनी असामान्य बसावट और व्यवस्था के कारण विटियर को टाउन अंडर वन रूफ नाम से भी जाना जाता है।
जहां टाउन के लगभग सभी 220 लोग इस 14 मंजिला इमारत बैगेज टावर में ही रहते हैं। दोस्तों, आपकी इस अजीबोगरीब टाउन के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।